محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة. أوف إيه كنا؟ إيه ده جواب؟ أوه. Sorry. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Once again, I'm with you. Welcome to another vlog. तो आज आज हमारा दूसरा उम्रा जो कि है जुराना से. Actually मैंने अपने पहले उम्र का व्लॉग नहीं बनाया. मैंने कहा कि ज़रा खुल की इबादत करें, व्लॉग अगले में बनता है. व्लॉग ने तो बनते रहने, उम्र थोड़ा बार बार आता है. तो अभी जी आज हमने जाने दूसरे उम्र पे. वैसे हमारा प्लान था कि हमने करना है तवाफ, बट फिर मामा ने कहा कि उम्र ही करते हैं आज. तो बाबा ने भी एहराम पहन लिया और हम सब तैयार हो गए. अभी हमने जाना है मस्जिद जुराना, वहाँ से करनी है नियत और फिर इंशाल्लाह हरम उम्रा करने. तो गाइस ये हैं वो बसें जो कि ले ली जाती हैं हरम में. हम इस वक्त बाबा के साथ जा रहे हैं कोई टैक्सी वगैरह ढूंढने मस्जिद जुराना के लिए, क्योंकि बसेस वगैरह मस्जिद जुराना नहीं जाती. आती हैं बट जाती नहीं हैं. टैक्सी है तुम्हारी है क्या है? अन मार लेंगे. नहीं नहीं फैमिली में डाल दे यार, अच्छी गल है, अच्छी जाते जाने. तो भी जी हमने एटीरियल में डन कर लिया और अब हम बैठ रहे हैं गाड़ी में. बहुत जल्दी हो गया, सड़क के बीच में खड़े होके सौदा कर लिया. हरम के थल्ले तुसी सानू चढ़ना सुरे. मैं ना टेंशन ना पे जाऊं. दो बिस्मिल्लाह पढ़ो तो क्या पे बार देने. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मस्जिद जुराना पहुंच चुके हैं. और अगर आप लोग ने मेरा पिछला सऊदीया का व्लॉग देखा होगा तो आप लोग को पता होगा कि मैंने उसमें पूरी मस्जिद जुराना का तारुफ दिया था. उसके थोड़े से क्लिप्स देखें तो आपको याद आ जाएगा. ये वो जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा और उम्रा किया. जुराना का जो इलाका है इसमें काफ़ी आबादी है. पहले ज़माने में इस इलाके में बहुत कबाइल रहते थे. इसको वादी जुराना भी कहा जाता है. अब ये शहर ही बन चुका है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से. ये मस्जिद उस जगह पर वाक़िया है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन के बाद खैमा लगाया था और इसी जगह पर ही गनाइम बांटे गए थे. और यहाँ एक कुआं भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं से गुसल फरमाया था. ये वो बस जो यहाँ से नियत करवा के लेके जाती है हरम की तरफ. फिलहाल हम आए थे इस टैक्सी में और अब हम जा रहे हैं उम्रे की नियत करने. मामा हम रात को यहाँ पहली दफ़ा आए हैं ना, है ना? यहाँ पहले आए हैं. और गाइस आजकल मेरे गले में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है ना. लास्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे रमज़ान में, उस टाइम वो रोज़ा खुलने वाला था. जिधर से हम आए थे ये इसकी ऑपोजिट साइड का मंजर है. और आप लोग देख सकते हैं कि यहीं पे वो कुआं मौजूद था जहाँ पे आप सल्लम ने गुसल किया था. वो अल्हम्दुलिल्लाह नफल पढ़ लिया, नियत कर लिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्नअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्नअमत लक वल मुल्क
जब चलूंगा मक्का से मीना की जानिब मैं, मेरे हर कदम पे लबैक की ये सदा होगी। क्या हसी ये मंजर होगा, क्या हसी समा होगा। ऐ मेरे अल्लाह मैं यहाँ आज हाजिर हूँ। जो सीढ़ियाँ थी उन्होंने हमें नई साइड पे ले आए हैं, और ये है जी दुनिया का सबसे बड़ा मसल्ला, क्योंकि दो बिल्डिंग्स आपस में ज्वाइन करके बीच से बनाया हुआ है, और इंशाल्लाह वहाँ पे भी कभी ना कभी चलेंगे। और हम दोबारा अपनी साइड पे जा रहे हैं, और वहाँ से सीधा तवाफ वाली जगह पे लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हमदा वन्नअम ला शरीका लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हमदा वन्नअम लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये है जी बाबे फहद, हमने इस गेट छेड़ते हो ना मामा, पहले मैंने जमजम पीना है, मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख गया। कैसी हम अंदर हैं मामा, आपको याद है जब उन्होंने जमजम में बंद कर दिया था कोविड में? हाँ, लेकिन आज मैं जब दोपहर को आई ना, तो क्योंकि लोग जो है ना वो बॉटल बेचारों को बंद करना पड़ता। याद है आपको जब यहाँ बाहर भी जमजम हुआ करता था, यहाँ भी उन्होंने अलग अलग जगहों पे बनाए हुए होते थे। बाबे फहद गेट के पास भी सारे जमजम की उन्होंने टूटियाँ लगाई हुई होती थी। और बाबा फिर तैयार है आप उम्रे के लिए हैं? जी बेटा, तैयार है उम्रे के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह तैयार के, आप तो 100% तैयार। बारह बजकर अब बस एक ही बज गया तकरीबन 12:52। हम यहाँ पहुँचे हैं आधे घंटे में। अच्छा, जुराना से इधर तक आधे घंटे में, और आधे घंटे में तकरीबन गए थे। जुराना जाना है तो तकरीबन आपको सवा से डेढ़ घंटे का टाइम सेट करना पड़ेगा। होटल से निकले जाए हरम पहुँचे डेढ़ घंटा लग जाता है। अच्छा, अब तो रश भी बहुत कम होगा। हाँ, वो सामने नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك पहुंच चुके हैं काबा के आगे और अब इंशाल्लाह अपना तवाफ शुरू करेंगे। और तवाफ के दौरान मैं बोलते बोलते तो वीडियो नहीं बना सकती, बट कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ क्लिप शेयर कर लूँ। तो अब इंशाल्लाह हम उम्रे के बाद ही मिलेंगे। क्या हसी ये मंजर होगा, क्या हसी समा होगा, ए मेरे अल्लाह मैं यहाँ आज हाजिर हूँ, मेरी हर खता को आज तू माफ कर दे, गमों की धूप है मेरे सर पे, अपनी रहमतों की चादर में मुझको तू ढांप ले, क्या हसी समा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तवाफ मुकम्मल हो चुका है और हमने नफल भी पढ़ी, अब इंशाल्लाह हम चलेंगे सही की तरफ। क्या हसी समा होगा, क्या हसी घड़ी होगी, माशाल्लाह माशाल्लाह रश देखे, मगर अल्लाह के प्यारे तो सब अल्लाह की इबादत करने में और अपना उम्रा कम्प्लीट करने में लगे हुए हैं। तो भी जी अब हम अपना उम्रा करेंगे शुरू। क्या हसी ये मंजर होगा, क्या हसी समा होगा, ए मेरे अल्लाह मैं यहाँ आज हाजिर हूँ, मेरी हर खता को आज तू माफ कर दे, गमों की धूप है मेरे सर पे, अपनी रहमतों की चादर में मुझको तू ढांप ले, क्या हसी समा होगा, क्या हसी घड़ी होगी। लबैक अल्लाहुम्मा लबैक लबैक ला शरीक लक लबैक इन्ना। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो चुका है मुकम्मल और अब बाबा हमारा वेट कर रहे हैं। मामा और बाबा ने पहले कंप्लीट कर लिया था, मैं और आप ही थोड़ा सा लेट हो गए, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी कंप्लीट कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उम्रा रहा और मतलब काफ़ी स्मूथली हो गया, बीच में कोई मसला वगैरह भी नहीं हुआ। तो अब इंशाल्लाह अब हम चलेंगे अपने होटल। हाय अभी हम जा रहे हैं जी उल्टा, क्योंकि एस्केलेटर उस तरफ है और वो सफ़ा मरवा इधर मुकम्मल होता है। तो बाबा भी उधर से हमारे नीचे वेट कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि जिस बैग में शूज़ वगैरह थे वो हमारे पास है। तो अब हम ये है, फिर एक और बकरी है, फिर वो स्टार्ट में एक और बकरी है, हमने उस स्टार्ट वाले में जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उम्रा हो गया, अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआएं भी मांग ली और मतलब पूरे दिल से उम्रा भी मुकम्मल कर लिया। फिर हमने और आगे जाना है और अभी मैं अकेले इसलिए फिर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास है फ़ोन और इधर उधर हुए भी तो फ़ोन यूज़ हो जाएगा, वैसे वो लोग मेरे पीछे ही आ रहे हैं। तो पहले हमने नीचे करना था सही, बट बहुत ज़्यादा रश था इसीलिए हमने सोचा कि ऊपर ही कर लें। और अभी मेरी आवाज़ अजीब भी होगी मेरे गले और मसले की वजह से। तो अब हम अपनी वीडियो कर लेते हैं एंड। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट से जरूर बताइएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कमेंट शेयर प्रेस द बेल आइकन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।